दोस्तों टिकटॉक की रेटिंग फिर से वापसी जो है यहाँ पे 4.4 स्टार हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेज हुई था और उसके कारण जो है यहाँ पे टिकटॉक की जो रेटिंग थी 1.2 स्टार तक जो है गिर चुकी थी। और लेकिन अभी जो है दोबारा से उसकी जो रेटिंग है 4.4 स्टार हो चुकी है, बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे जो भी वीडियो हम डालें तुरंत आपका उसको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का रियल फाइट का एक्चुअल रीजन नहीं पता है तो वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो है टिकटॉक के जो है रोस्टिंग वीडियो यहाँ पे अल्पेश यादव ने अपने YouTube चैनल पे पोस्ट करी थी और उन्होंने जो है वहाँ पे काफ़ी सारे टिकटॉकर्स को जो है टारगेट करा था और उनके ऊपर जो है अपने व्यूज़ रखे थे जो कि उनके उनके अकॉर्डिंग सही थे। और बाकी जो है उसके बाद जब ये वीडियो पोस्ट हुई उसके बाद दो या तीन यूट्यूबर्स जो थे, एक तो रिवॉल्वर रानी और अमीर सिद्दीकी वगैरह ने अपने जो है पॉइंट्स रखे थे क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि टिकटॉकर्स को जो है बार बार जो है उनके ऊपर रोस्ट बनते हैं और उनको टारगेट किया जा रहा था। तो उन्होंने अपने यहाँ पे व्यूज़ रखे थे और उन्होंने जो है यहाँ पे अल्पेश यादव के लिए जो है यहाँ पे कुछ बुरी बातें यहाँ पे कही थी। तो उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे जो है थोड़े बहुत यूट्यूबर्स, जैसे यहाँ पे अगर सबसे बड़े यूट्यूबर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कैरी मिनाटी, उन्होंने जो है यहाँ पे अपनी रोस्टिंग वीडियो निकाली थी। उसके बाद जो है जो ये चिंगारी अल्पेश यादव ने लगाई थी यूट्यूबर्स टिकटॉक की, ये जो है आग पकड़ने लगी। और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कैरी मिनाटी की जो वीडियो थी टिकटॉक वाली वो हिट होने लगी और उसने काफ़ी सारे जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे। और यहाँ पे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के बाद इंडिया में तो उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे और वो वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली ही थी, तब यूट्यूब ने जो है उस वीडियो को वहाँ से डिलीट कर दिया। और उन्होंने उसका रीज़न दिया कि यहाँ पे जो है कैरी मिनाटी की जो वीडियो थी वो साइबर बुलिंग की जो लो होती है उसे जो है वायलेट कर रही थी, तो इसलिए जो है उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। और उस वीडियो को डिलीट करने के बाद यार काफ़ी सारे जो कैरी मिनाटी के फैंस थे और जो बाकी यूट्यूबर्स थे जो कैरी मिनाटी के फ्रेंड्स वगैरह हैं और जो उनके सपोर्ट में थे, उनको यार ये बुरा लगा क्योंकि वो वीडियो काफ़ी जो है रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली थी और ये वीडियो डिलीट हो गई थी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने भी जो है टिकटॉक के खिलाफ जो है यहाँ पे अपने व्यूअर्स वगैरह को या फिर जो उनके फैंस वगैरह थे उनको जो है यहाँ पे कहा कि टिकटॉक को डिलीट कर दें और टिकटॉक को जो है रिपोर्ट वगैरह कर दें। तो यहाँ पे जो है उन्होंने टिकटॉक को रिपोर्ट किया और साथ में जो है टिकटॉक को यहाँ पे डिलीट भी कर दिया अपने फ़ोन से। काफ़ी सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स जो थे टेक्निकल गुरुजी, उन्होंने भी जो है यहाँ पे टिकटॉक को अपने 16 फोन्स वाली वीडियो बनाई थी और उनको अपने 16 फोन से डिलीट करा था। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे वो इन्फ्लुएंस होके जो है टिकटॉक के रिपोर्ट कर रहे थे और टिकटॉक को जो है 1 स्टार रिव्यूज़ यहाँ पे दे रहे थे। तो विद इन कपल ऑफ डेज यहाँ पे जो है टिकटॉक की जो रेटिंग थी वहाँ पे 4.5 स्टार से लेकर 1.2 स्टार पे जो है गिर गई थी। और यहाँ पे जो है अगर कहा जाए तो पहले जो है टिकटॉक के यहाँ पे 20 मिलियन जो थे रिव्यूज़ थे और उसके बाद जो है सिनेरियो के बाद वहाँ पे 28 मिलियन जो है रिव्यूज़ हो गए थे। तो अगर यहाँ पे 8 मिलियन नेगेटिव 1 स्टार रिव्यूज़ की वजह से जो है यहाँ पे टिकटॉक की रेटिंग 1.2 स्टार हो गई थी, तो अभी जो है यहाँ पे यूट्यूब ने इन 8 मिलियन नेगेटिव रिव्यूज़ को जो है यहाँ पे डिलीट कर दिया है और यहाँ पे टिकटॉक की जो रेटिंग है वो 4.4 स्टार के अराउंड हो गई है। तो इसका एक्चुअल रीजन यही था कि यहाँ पे जो है गूगल ने जो रीजन दिया है अपना, उन्होंने ये कहा कि जो रिव्यूज थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, स्पेसिफिक नहीं थे, जो मतलब जो उन्होंने रीजन दिया था वो उस ऐप के लिए नहीं था, वो उन्होंने जो है यहाँ पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की जो रेज थी उसके कारण वहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज दिए थे। तो यहाँ पे जो है इसी वजह से गूगल ने जो है उसको डिलीट कर दिया और जो यहाँ पे रेटिंग थी टिकटॉक की वापस से जो है 4.4 स्टार हो गई है। और बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी टिकटॉक की रेटिंग के बारे में तो मैं आपको ज़रूर अपडेट देता रहूँगा। और ऐसी लेटेस्ट टेक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके का अच्छा कंटेंट यहाँ पे लाता रहता हूँ।